हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। और मेरे पास यहाँ पर आ गया है MI का बैंड 3i। ये न्यूली लॉन्च स्मार्ट बैंड है Xiaomi की तरफ से। और ये जो वर्जन है 3i, ये छोटा भाई मैं बोलूँगा, जो MI बैंड 3 पहले लॉन्च हो चुका था इंडिया में, और जो 3i है ये एक्सक्लूसिव लॉन्च हुआ है इंडिया में। और कुछ फीचर्स हैं जो आपको थोड़े से कम मिलते हैं, तो आज की वीडियो में इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और साथ में देखते हैं इसमें क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या नहीं मिलते हैं जो कि Xiaomi के MI बैंड 3 में थे। तो सबसे पहले तो उसके जो बॉक्स है उसमें ऊपर आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर लिखा है MI 3i AMOLED टच स्क्रीन है। तो एक जो डिफरेंस मुझे अभी समझ में आया, क्योंकि MI 3 में आपको OLED डिस्प्ले देखने को मिलता था, यहाँ पर आपको AMOLED टच स्क्रीन डिस्प्ले है। और उसके बाद यहाँ कुछ इसके फीचर्स दिखे गए हैं, वाटर प्रूफ अप टू 50 मीटर, तो यानी कि आपको ये वाटर रेजिस्टेंट बैंड मिलता है, कॉल एंड नोटिफिकेशन अलर्ट एंड स्लीप मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर जो फीचर मिसिंग है वो है आपका हार्ट रेट सेंसर। तो हार्ट रेट सेंसर के अलावा आपको जितने भी यहाँ पर फीचर्स देखने को मिल रहे हैं वो एक्जैक्टली सेम है जैसे आपको बैंड 3 में देखने को मिलते थे। पीछे इसका जो प्राइस लिखा गया है वो लिखा गया है 1599 रुपये, लेकिन इसका जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, वो है 1299, जो कि 500 रुपये कम है जो MI बैंड 3 से। तो अब इस बॉक्स को जल्दी से ओपन कर लेते हैं और देखते हैं वॉच। ये रही हमारी वॉच, और उसके अलावा बॉक्स में आपको एक आई थिंक यूज़र मैनुअल होना चाहिए। तो यस, एक यूज़र मैनुअल है। तो बॉक्स के कंटेंट इतने ही हैं। एक बार मैं अपनी जो वॉच है इस रैपर में से निकाल लेता हूँ। तो ये रही हमारी MI बैंड 3i, और दिखने में एग्जैक्टली ये MI बैंड 3 की तरह ही है। इसको मैं साइड में रखता हूँ। और बॉक्स में उसके अलावा आपको एक चार्जिंग जो डॉक देखने को मिलता है, जिस तरह से आपको MI 3 में देखने को मिलता था, और उसके अलावा एक है यूज़र मैनुअल। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई इसमें फीचर से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखनी होगी तो आप इस यूज़र मैनुअल को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये जो चीज़ें एक बार साइड में रखता हूँ। अब आते हैं सीधा हमारी वॉच की तरफ। तो ये रही हमारी वॉच, और दिखने में जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये MI बैंड जो 3 था उसकी तरह ही इसके डिज़ाइन है, एग्जैक्टली सेम ही एक्चुअली। और यहाँ पर आपको एक टच बटन दिया गया है, और पीछे की तरफ आपको इसमें एक जो चेंज है, यहाँ पर आपको किसी तरह का हार्ट रेट सेंसर नहीं दिया गया। तो दिखने वाइज सेम है, लेकिन सिर्फ आपको हार्ट रेट सेंसर आपको पीछे की तरफ नहीं देखने को मिलेगा। स्ट्रैप है वो है सिलिकॉन स्ट्रैप आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्किन फ्रेंडली और काफ़ी सॉफ्ट सा है। तो डिज़ाइन वाइज अगर आप MI बैंड 3 आप ओन करते हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें और उसमें देखने में ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो फ़ोन से पेयर करने के लिए आपको अपने फ़ोन में एक MI फिट ऐप डालना होगा, उसके बाद आप ये जो वॉच है इसको यूज़ कर पाएंगे। तो जल्दी से मैं अपने जो फ़ोन में ये जो ऐप इंस्टॉल कर लेता हूँ, और उसके बाद इसके जो बाकी सारे फीचर्स देखते हैं। तो मैंने अपने फ़ोन में ये जो MI फिट ऐप है डाल ली है, और जो अकाउंट है रजिस्टर कर लिया। और उसके बाद आप अपने फ़ोन में जाकर यहाँ पर आ रहा है कि टैप टू पेयर, और अपना जो बैंड है इसमें यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही ये जो बैंड है इसको यहाँ पर दिखाई दिया, तो यहाँ पर ये पेयर के लिए बोल रहा है कि टैप टू पेयर। तो दोनों जो वॉच और ये मेरा फ़ोन है ये आपस में पेयर हो चुके हैं। तो अब मैं इस वॉच की जो स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है 0.78 इंच का, ये टच डिस्प्ले है AMOLED डिस्प्ले। और यहाँ पर आपको जो बैटरी देखने को मिलेगी वो मिलेगी 110 mAh की, जिसको आप 2.5 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। और कंपनी के हिसाब से यहाँ पर आपको 20 दिन का बैटरी बैकअप ये दे देगा। और MI बैंड में भी आपको 20 दिन का ही बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर दिया गया था, यहाँ पर आपको जो मॉनिटरिंग सेंसर नहीं है, उसके बावजूद जो इसका जो बैटरी बैकअप सिमिलर है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा होता तो बेटर रहता, लेकिन स्टिल 20 दिन काफी ज्यादा होता है। और इसके बाद आपको इसमें जो ब्लूटूथ मिल रहा है वो मिल रहा है 4.2। तो ये जो स्क्रीन है ये टच डिस्प्ले है। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं तो आप जो अपने स्टेप यहां पर काउंट कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो डिस्टेंस किलोमीटर वाइज आप यहां पर देख पाएंगे कितना आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसके बाद आप और स्वाइप करेंगे तो आपको जो कितनी कैलोरीज आपने बर्न करी, तो ये आप इस वॉच में ट्रैक कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज उसके बाद आपको यहाँ दिखाई देगा, तो जैसे अभी 26% बैटरी है। तो ये इसके नॉर्मल फीचर्स हैं। और उसके बाद अगर आपको बैक जाना होगा तो सिंपल एक टैप करेंगे तो ये बैक चला जाएगा, और ऊपर स्वाइप करते हैं तो आपको आपके वेदर्स वगैरह दिख जाएगा। तो 3 दिन का आपको यहाँ पर वेदर दिख जाएगा फोरकास्ट, जो आप यहाँ पर ट्रैक कर पाएंगे। और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं तो आपकी जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी ऑन करने के लिए, यानी कि आपको शुरू करने के लिए, आपको ये जो बटन है इसको होल्ड करके रखना होगा, और आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है यहाँ पर शुरू हो जाएगी। वापस से होल्ड करके रखेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी है पॉज हो जाएगी। दोबारा से बंद करने के लिए ये आपको दोबारा से होल्ड करना होगा। उसके बाद और नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो नोटिफिकेशंस आपको यहाँ सारी दिख जाएंगी। अभी मेरे फ़ोन से अभी मैंने पेयर किया है तो नोटिफिकेशंस यहाँ पर नहीं है। उसके बाद और ऊपर स्वाइप करेंगे तो आपके यहाँ पर स्टॉप वॉच है और टाइमर दिया गया है। और ऊपर से अगर नीचे की तरफ स्वाइप करते हैं तो यहाँ मोर का ऑप्शन है, साइलेंट का ऑप्शन है, और फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन है, जिसकी मदद से आप अपना जो फ़ोन है उसको यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, और आपके फ़ोन में एक बीप बजनी शुरू हो जाएंगी। वापस से मैं ये क्लोज़ करता हूँ और बैक जाते हैं। तो उसके बाद आपको फाइंड माई डिवाइस के अलावा यहाँ पर स्क्रीन का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आपको वॉच फेसेस देखने को मिल जाएंगे। और इस वॉच में आपको 3 तरह के वॉच फेसेस दिए गए हैं,
तो ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो फीचर वाइज एक्जैक्टली सेम है जैसे आपको एम आई बैंड 3 में देखने को मिलते थे, लेकिन जो एक फीचर यहाँ मिसिंग है वो है हार्ट रेट मॉनिटरिंग का, और उसकी वजह से इसका जो प्राइस है थोड़ा सा कम है। तो अब आ जाते हैं सीधा ऐप की तरफ, जिसकी मदद से आप अपने जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं या फिर स्लीप ट्रैकिंग वगैरह है वो यहाँ पर ट्रैक कर पाएंगे। मैंने रिसेंटली पेयर किया तो मेरे यहाँ पर कोई भी किसी तरह का डाटा अभी नहीं है, लेकिन इसकी मदद से आप अपने जो स्लीप ट्रैकिंग है यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब इसमें हार्ट रेट सेंसर नहीं है, लेकिन स्टिल अपने जो वर्कआउट सेशंस हैं वो यहाँ पर आप ट्रैक कर पाएंगे, जितने अपने स्टेप्स काउंट किए, कैलोरी बर्न करी। तो आप ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं इस ऐप के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद इस वॉच की सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको ऊपर बैटरी परसेंटेज दिखाई दे रहा है। इनकमिंग कॉल अलर्ट वगैरह आप यहाँ पर इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, अलार्म ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऐप अलर्ट्स, अगर आपको कौन कौन सी ऐप से आपको अलर्ट्स चाहिए तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। इनकमिंग SMS वगैरह, ये जितने भी फीचर्स हैं आपको यहाँ पर इनेबल डिसेबल अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइंड बैंड का भी ऑप्शन है, यानी कि आप अपने बैंड से अपने फ़ोन को तो फाइंड कर सकते हैं, साथ में अपने जो फ़ोन, अगर आपके बैंड कहीं इधर उधर पड़े तो आप अपने यहाँ से फाइंड बैंड करेंगे तो आपकी जो ये वॉच है ये वाइब्रेट होती है। उसके बाद बैंड लोकेशन, लिफ्ट रिस्ट टू व्यू इन्फो, तो ये आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे ही आप अपनी जो वॉच है इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो इसकी जो स्क्रीन है ये ऑन हो जाती है। तो ये जो सारे फीचर्स हैं आप इस ऐप के थ्रू यूज़ कर पाएंगे। और मैंने जैसे पहले बताया, जितने भी ऐप मैंने अभी तक यूज़ करे हैं जो फिटनेस ट्रैकिंग वाले, उनमें जो मी फिट ऐप है वो काफ़ी फीचर रिच रहता है। तो फीचर्स वाइज ये जो ऐप है ये काफ़ी अच्छी खासी है, और जो वॉच के फीचर्स हैं वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो प्राइस के हिसाब से ये जो वॉच है ये काफ़ी अच्छी खासी है, और अगर आपको हार्ट रेट मॉनिटरिंग इतनी ज़्यादा आप ट्रैक नहीं करते हैं तो डेफिनेटली आप इस वॉच की तरफ जा सकते हैं। वैसे मी बैंड 4 है वो भी इंडिया में लॉन्च हो चुकी है, तो अगर आपको और ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आप मी बैंड 4 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली थोड़े और पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो आपको कैसी लगी ये वॉच मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। साथ में आपको हमारा ये चैनल पसंद आया, चाहते हैं इस तरह की और वीडियोज लेके आऊँ, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं अमन आपको मिलूंगा अगली बार।